In last class, we have seen the importance of variation of flow parameter equation with area for different Mach number, m less than 1 for subsonic flow, m greater than 1 supersonic flow, and m is equal to 1. So for m is equal to 1, we have seen that dA by A is equal to dC by C m square minus 1. Why dubara main repeat karunga equation 1 ko. So for m is equal to 1, here dA is equal to 0. Aur ye jo condition hai, minimum area ka condition hai. Minimum area condition. Matlab ye jo 0 hai, ya to maximum hoga ya minimum hoga. But humne last class mein dekha tha, physically aur mathematically dono, ki ye jo area hai, ye मिनिमम एरिया का कंडीशन होगा. ठीक है, सो मिनिमम एरिया कन्वर्जिंग पैसेज में क्या होता है, एग्जिट वाला होता है ये. सो दिस इज द ए मिनिमम इन कन्वर्जिंग पैसेज, या ए एग्जिट बोलूं या इसको ए थ्रोट बोलूं. तो कन्वर्जिंग पैसेज में एम इज इक्वल टू 1 या यहां पे अचीव होगा. डाइवर्जिंग पैसेज में मिनिमम एरिया क्या होता है, ये मिनिमम एरिया होता है डाइवर्जिंग पैसेज में. सो मिनिमम एरिया इज आल्सो कॉल्ड थ्रोट. सो हमारा m इज इक्वल टू 1 यहां पे अचीव होगा. और कन्वर्जिंग मान लो ऐसा कोई पैसेज है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्रोसेस, तो यहां पे मिनिमम एरिया है, दिस इज ए मिनिमम या ए थ्रोट. सो m इज इक्वल टू 1 यहां पे अचीव होगा. ठीक है, सो कन्वर्जिंग नोजल से हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कभी भी गेन नहीं कर सकते. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कन्वर्जिंग नोजल है तो ये m इज इक्वल टू 1 है, मींस ये सोनिक कंडीशन है. दिस इज सोनिक कंडीशन, मींस ये सोनिक स्पीड है, दिस इज सोनिक स्पीड. तो सुपर सोनिक स्पीड कन्वर्जिंग नोजल से हम लोग अचीव नहीं कर सकते. मान लो मैं इस डक्ट को और एक्सटेंड कर दूं इधर, तो आपको लगेगा क्या पता वेलोसिटी बढ़ जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. अब मिनिमम एरिया ये हो गया, दिस इज ए मिनिमम. अब ये मैथमेटिक्स यही बोलता है, मिनिमम एरिया पे m इज इक्वल टू 1. अब m इज इक्वल टू 1, अब सोनिक कंडीशन एग्जिट पे आ गया. तो सोनिक कंडीशन तो लिमिट है कन्वर्जिंग पैसेज का. ठीक है, चाहे बैक प्रेशर को कितना भी डिक्रीज कर दो, इतना भी आप बैक प्रेशर या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना भी क्रिएट कर लो, आप कन्वर्जिंग नोजल से सुपरसोनिक स्पीड नहीं गेन कर सकते. ये तो कंक्लूजन हो गया. दूसरी चीज कर हमने देखा था, एक ऐसा डक्ट भी है, ये भी एज ए नोजल की तरह काम कर सकता है. इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड. सुपरसोनिक फ्लो में देखा था हमने कि डाइवर्जिंग जो पैसेज है वो भी वेलोसिटी बढ़ा सकता है, प्रेशर डिक्रीज कर सकता है. तो टू अचीव सुपरसोनिक स्पीड, हेंस टू अचीव सुपरसोनिक स्पीड फ्रॉम सबसोनिक ए डाइवर्जिंग डक्ट, a diverging duct must be connected to the converging passage. इसका मतलब है, अगर मुझे सुपरसोनिक स्पीड चाहिए टू अचीव सुपरसोनिक स्पीड फ्रॉम सबसोनिक, अगर सबसोनिक से मुझे सुपरसोनिक स्पीड गेट करना है, तो डाइवर्जिंग डक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द कन्वर्जिंग पैसेज. मतलब इस कन्वर्जिंग पैसेज में मैं एक डाइवर्जिंग डक्ट कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 1, और यहां पे सोनिक कंडीशन मिनिमम एरिया पे हो जाएगा. फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो. तो ये जो डाइवर्जिंग डक्ट है, मींस ये एक प्रकार का सीडी नोजल है. दिस इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, सीडी नोजल, या इसके जो साइंटिस्ट का नाम, इसको बोलते हैं डी लेवल नोजल, साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, तो ये जो डाइवर्जिंग डक्ट है टू अचीव सुपरसोनिक स्पीड, ये जो डाइवर्जिंग डक्ट है, इट मस्ट बी, ये जो डाइवर्जिंग डक्ट होगा ये एक्सपैंडिंग डाइवर्जिंग डक्ट होगा. मींस ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यहां पे m इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा.
मीन्स हमको ये जो डक्ट है ये डाइवर्जिंग पोर्शन होना, ये एक्सपैंडिंग पोर्शन हो जाना चाहिए. दिस मस्ट बी ए एक्सपैंडिंग पोर्शन डक्ट. इसका मतलब है कि यहां जो प्रेशर है बैक प्रेशर को हम इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे. सपोज पहली चीज तो ये कन्वर्जिंग प्रेशर यहाँ पे सोनिक कंडीशन अचीव होना चाहिए. उसके बाद यहाँ जो भी प्रेशर होगा तो बैक प्रेशर को इतना ज्यादा रिड्यूस करेंगे कि इस डाइवर्जिंग पोर्शन में भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन. ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दे रहा हूँ वेंचुरी मीटर में. वेंचुरी मीटर भी ऐसे ही होता है आपका, ये मैं लिखता हूँ वेंचुरी मीटर, दिस इज वेंचुरी मीटर और दिस इज सीडी नोजल. सीडी नोजल एंड वेंचुरी मीटर. सो वेंचुरी मीटर जो आपका फ्लो रेट मेजरमेंट फ्लूड में पढ़ते हो, वहाँ पे वाटर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हम लोग यूज करते हैं. तो इस केस में क्या होता है, दिस पोर्सन इज एक्सपैंडिंग पोर्सन, एक्सपैंडिंग पोर्सन. ठीक है, ये जो पोर्सन मीन्स यहाँ पे हमारा एम लेस देन वन है. सो यहाँ पे फ्रॉम दिस टू दिस हियर टू हियर ये वेलोसिटी इंक्रीज होता है. देन हियर टू हियर वेलोसिटी डिक्रीज होता है. ठीक है, सो दिस इज ये एक्सपेंडिंग पोर्शन नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ये वाला जो पोर्शन है डाइवर्जिंग पार्ट, दिस इज नॉट एक्सपेंडिंग पोर्शन, दिस इज नॉट एक्सपैंडिंग पोर्सन. मतलब एज ए डिफ्यूजर की तरह यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, जो भी फ्लूड है इसका कंप्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये एक्सपैंडिंग पोर्सन नहीं है. बट इन केस ऑफ सीडिंग नोजल ओवरऑल डक्ट पूरा का पूरा डक्ट, ये पूरा का पूरा डक्ट फ्रॉम हियर टू हियर पूरा का पूरा ये, दिस इज एक्सपैंडिंग पोर्सन. पहली चीज ये डिफरेंस है, एक्सपैंडिंग पोर्सन. यहां पे m लेस देन और यहां पे कोई जरूरी नहीं m1 भी हो सकता है, मीन्स m लेस देन 1 भी हो सकता है और m इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, यहां मतलब कंडीशन है. बट हियर ऑलवेज m लेस देन 1 होगा. ठीक है, m लेस देन 1 या m इज इक्वल टू 1 वही चीज मैंने बताया था, दोबारा वही बता रहा हूं. m इज इक्वल टू 1 पे da 0 है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. da इज इक्वल टू 0 पे m मे बी इक्वल टू 1 और मे नॉट बी इक्वल टू 1, तो वही वाला चीज है, वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, यहाँ 1 m इज इक्वल टू 1 पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता. देन फ्लो अगेन डी एक्सिलरेट, एक्सिलरेट डी एक्सिलरेट, बट इन दिस केस कंटिन्यूअस एक्सिलरेशन, कंटिन्यूअस एक्सिलरेशन. यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे तो दो कंडीशन है, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन, बट हियर m लेस इक्वल टू 1 होगा ही होगा. मतलब सोनिक कंडीशन अचीव होने के बाद ही ये इधर क्या होगा, ये आपका सुपर सोनिक जाएगा. नाउ m ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये सीडी नोजल के केस में है कि m इक्वल टू 1 होगा ही होगा. ठीक है, देन आफ्टर दूसरी चीज द बैक प्रेशर, ये जो PB है शुड बी वेरी लेस. मतलब बैक प्रेशर वो सुटेबल बैक प्रेशर होना चाहिए, कम होना चाहिए. मतलब यहां भी एक्सपेंशन होना चाहिए कंटिन्यू, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कंटिन्यूअस डिक्रीज, इसको कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन या कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रेशर. मतलब एक पर्टिकुलर बैक प्रेशर होगा तभी सुपरसोनिक स्पीड होगा, वरना अगर बैक प्रेशर को हम इधर हाई कर देंगे तो एज ए वेंचुरी मीटर की तरह या एम ये यहाँ पे डीएक्सलरेशन स्टार्ट हो सकता है. एम ग्रेटर देन वन जो है एक पर्टिकुलर बैक प्रेशर के लिए, वो डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशन, नहीं तो एम लेस देन भी हो सकता है इस डाइवर्जिंग डक्ट में. तो सी डी नोजल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो कंटिन्यूस एक्सलरेशन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशन. इसलिए मैं इसको जोर दे रहा हूं, ये जो पोर्शन होगा दिस पोर्शन मस्ट बी एक्सपैंडिंग पोर्शन, एक्सपैंडिंग पोर्शन, एक्सपैंड होना चाहिए तभी इट विल एक्ट एज ए एक्सिलरेट द फ्लूड,
एक्सिलरेट करेगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका मतलब सुपरसोनिक अगर स्पीड चाहिए तो हमको कन्वर्जिंग नोजल में डाइवर्जिंग पैसेज को जोड़ना पड़ेगा, और वो डाइवर्जिंग पैसेज जो होगा वो एक्सपैंडिंग पोर्शन होना चाहिए, मीन्स यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर बैक प्रेशर लेस लो बैक प्रेशर होगा, उसी केस में हमको क्या होगा एक्सीलरेशन मिलेगा। ओके, सो ये तो रिविजन ही है, कल भी इसको बताया था मैंने, थोड़ा और रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट इज अवर चोकिंग इन गैस नोजल। ठीक है, सो चोकिंग का मतलब समझते हो कि जाम होना, मतलब आप नॉर्मल मीनिंग समझ सकते हो, बट यहां पे जाम होना नहीं, चोकिंग मीन्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मास फ्लो रेट। मैक्सिमम मास फ्लो रेट का कंडीशन को हम बोलते हैं, मतलब जाम हो गया, मतलब वो भी जाम है, मतलब कुछ फंस गया है, मैक्सिमम है उसमें, बट यहाँ पे मैक्सिमम मास फ्लो रेट के कंडीशन की, जब मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम चोकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मैक्सिमम मास फ्लो रेट हम लोग ड्राइव करेंगे, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, और गैस नोजल, यहाँ पे गैस तो कैलोरिकली परफेक्ट गैस के अजम्पशन लेके, ठीक है, तो चोकिंग इन गैस नोजल हम, सो मास फ्लो रेट इन एनी, मान लेते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन है ये, ठीक है, कन्वर्जिंग सेक्शन के लिए एट एनी सेक्शन मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए सी एट एनी सेक्शन। हमने अभी एग्जांपल के लिए कन्वर्जिंग पैसेज ले सकते हैं, आप डाइवर्जिंग पैसेज भी ले सकते हो ऐसे करके। ठीक है, क्लियर, सो अभी हमने कन्वर्जिंग ले लिया, फॉर एग्जांपल ये कन्वर्जिंग पैसेज, और इस कन्वर्जिंग पैसेज में किसी भी पॉइंट पे फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट मास फ्लो रेट रो ए सी है। ठीक है, ये आप जानते हो। अब हम कैलोरिकली परफेक्ट गैस का एजम्पशन है, कैलोरिकली परफेक्ट गैस एजम्पशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, अब मैं इसको लिखूंगा, अब मैं मैथमेटिक्स है तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, रो को मैं लिखूंगा पी बाई आर टी ए, और सी को लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड इंटू मैक नंबर, तो यही चीज है, इसको ऐसे लिखा है, सी को ये इस फॉर्म में लिखा है मैंने, सो एम डॉट इज इक्वल टू पी, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, ये हर एक बुक में ये दिया हुआ है, गामा बाई आर। ठीक है, पी अंडर रूट टी और ए, ए को मैंने लिख दिया गामा आर टी। ठीक है, और ये आर आर कैंसिल हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, मास फ्लो रेट, अब मैं इसमें स्टेग्नेशन का डिवाइड कर दे रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर टी नॉट बाय टी, वन बाई टी नॉट, गामा बाय आर, मतलब पी नॉट का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया, टी नॉट है, गामा आर है ऑलरेडी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू टी जीरो बाई टी माइनस गामा, गामा माइनस मतलब पी जीरो बाई पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी जीरो बाई टी, टी जीरो बाई टी, वन बाई टू पी जीरो, दिस इज गिवन इन एवरी बुक, सब में दिया हुआ है डेरिवेशन है। ठीक है, मैक नंबर इंटू एरिया। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एम डॉट इज इक्वल टू गामा आर पी जीरो एम ए टी नॉट टी जीरो बाई टी माइनस गामा प्लस वन टू गामा माइनस वन। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा है, टी जीरो इज इक्वल टू टी प्लस सी स्क्वायर बाई टू सी पी, ये भी हमने पहले पढ़ा है, स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के टाइम पे भी हमने पढ़ा है, सो दिस इज टी जीरो इज इक्वल टू टी वन प्लस सी स्क्वायर टू सी पी टी,
So this T0 by T is equal to 1 plus gamma minus 1 by 2 m square. So ये जो T0 by T है, ये value हम यहाँ put कर देंगे. So जैसे मैं put करूँगा, ये वाला value यहाँ put करेंगे. So we will get mass flow rate gamma r P0 m a T0 1 upon 1 plus gamma minus 1 by 2 m square to the power gamma plus 1 to gamma minus 1. So this is the mass flow rate of gas in nozzle. ठीक है, ये mass flow rate है nozzle. Now this mass flow rate for given area of nozzle and P0, T0, gamma and R. मतलब for given area का nozzle, मतलब ये nozzle मान लो area at any section fix कर दिया. Given area मतलब ये वाला nozzle हमने fix कर दिया है. Suppose कोई भी area मान लो इस section पे मान लेते हैं. तो area fix हो गया. So this area fix हो गया. So ये क्या हो गया? Constant हो गया. For a given area. Similarly, for a given P0, T0, मतलब ये P0, T0 fix है, inlet हमने fix कर दिया. This is also fix. ये हमारा constant हो गया. For a given. और gamma और R depend करेगा for a given gas, तो मान ले एक gas, कोई भी gas ले लो, for a given gamma, diatomic gas, या air ही ले लो. For air, air के लिए gamma और भी, तो सारे value constant हो गया. So P0, T0, A, गामा आर आल कांस्टेंट है. गामा आर आल आर कांस्टेंट. सो एम नॉट जो है, अब इस चीज में देखो गामा आर है, पी नॉट है, ए है, गामा यही चीज है सब. तो ये सब कांस्टेंट हो गया. तो इज द फंक्शन ऑफ मैक नंबर ओनली. सो फॉर ए गिवन एरिया और गिवन इनलेट कंडीशन P0, T0 और फॉर गिवन गैस गामा एंड आर कांस्टेंट हो गया. तो मैं जो मास फ्लो रेट है किसका फंक्शन है? सिर्फ मैक नंबर का फंक्शन है. तो हम इसको मास फ्लो रेट को मैक नंबर का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू m मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा. सो अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं. जैसे इसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे विद रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन कहीं किसी भी बुक में दिया है, पीके नागो सेंजल हो, कोई सा भी बुक में दिया है. सो वी विल गेट डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमको इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा. मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो. m स्क्वायर और m इज इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है, तो ये जो ये कंडीशन है मैक्सिमम का, मैक्सिमम कंडीशन के केस में आएगा. ये जीरो मैक्सिमा या मिनिमम होता है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम. तो मैक्सिमम कब होता है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम मास फ्लो रेट. मैक्सिमम मास फ्लो रेट का कंडीशन होता है m इज इक्वल टू 1 पे. ठीक है, जब m इज इक्वल टू, जब सोनिक कंडीशन, व्हेन सोनिक कंडीशन इज achieved, then it is called condition of maximum mass flow rate or choking of nozzle, या choking of gas nozzle. ठीक है, तो जब सोनिक कंडीशन अचीव हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मास फ्लो रेट और चोकिंग ऑफ नोजल. ठीक है,